डॉक्टर भंसाली, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी राय क्या है, आपकी एडवाइस क्या होगी ऐसे वक्त में जब दूसरी लहर का जबरदस्त कहर हम सब ने झेला, थोड़े से हालात बेहतर हुए हैं लेकिन तीसरी लहर का खतरा मुंह बाय खड़ा है जिसमें निशाने पर बच्चे ज्यादा होंगे ये आशंका जताई गई, ऐसे में होना क्या चाहिए? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो तीसरी लहर जिसकी संभावना से अपन इनकार नहीं कर सकते वो आ सकती है और उस तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पे हो सकता है। अगर बच्चों पे इफेक्ट आता है तो आप समझिए कि पूरा परिवार किस तरह से बिखर जाता है। तो मेरी समझ में जहां तक मुझे लगता है, मैं शिक्षाविद नहीं हूँ लेकिन मेरी जो ओपिनियन है, आपके पास में अभी इस टाइम में दो ऑप्शन है। एक तो एग्जाम को कतई पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, बार बार पोस्टपोन करना मतलब बच्चों के ऊपर एक तरह का प्रेशर डालना होता है। बच्चे बेचारी तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि 10 दिन बाद एग्जाम है, 15 दिन एग्जाम है, उसके हिसाब से वो टाइम टेबल बढ़ाते हैं और उस हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं और उनके ऊपर प्रेशर आता है कि एग्जाम फिर पोस्टपोन हो गया। अनसर्टेनिटी कभी भी अच्छी नहीं होती बच्चों के भविष्य के साथ में। सो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक ऑप्शन ये अगर पॉसिबल है तो ऑनलाइन एग्जाम करवा करके इसको खत्म करना चाहिए, अगर पॉसिबल हो सकता है। 14 लाख बच्चे हैं 12th के अंदर, उनका ऑनलाइन अगर एग्जाम हो सकता है तो उस बेसिस पे उनको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि जो उनका इंटरनल असेसमेंट अगर अब तक हुआ है, इंटरनल असेसमेंट के बेस पे मार्क्स दिए जाए और उनको क्लास से निकाला जाए या आगे भेजा जाए या उनको आगे किया जाए। एक साथ जगह पे इकट्ठा करके एग्जाम कतई नहीं करना चाहिए, वो आप थर्ड वेव को आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे और बच्चों का साथ में तकलीफ होगी या कोविड से इन्फेक्शन हो सकते हैं। दूसरी तरफ हमको ये भी देखना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, उनके आगे नीट के एग्जाम है, जेईई के एग्जाम है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, 10th और 12th, ये बहुत ही क्रूशियल फेज होता है और बच्चे की एज भी एक थोड़ा सा इमेच्योरिटी वाली एज होती है। तो जितना उनके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे मेरे हिसाब से ज्यादा होगा। ऑप्शन एक दो ही है कि भविष्य में उनके साथ आगे एग्जाम वगैरह है, जल्दी से जल्दी उन्हें या तो एग्जाम से पास कर दिया जाए, इंटरनल असेसमेंट के बेस पे उनको मार्क्स देकर के आगे निकाला जाए, या फिर ऑनलाइन अगर एग्जाम कंडक्ट कर सकती है गवर्नमेंट तो ऑनलाइन एग्जाम करे। बट बार बार एग्जाम पोस्टपोन करना सॉल्यूशन नहीं है, वो बच्चों को उल्टा और ज्यादा मेंटली डिप्रेस करता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर गौतम, आपने बड़ी साफगोई से अपनी राय रखी और इस वक्त डॉक्टर अदिति अनिल जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रिंसिपल हैं और मेंबर हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की। डॉक्टर अदिति, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या अभी तक राय निकल कर सामने आ रही है खास तौर पर स्कूलों की, एग्जाम्स जो हैं जाहिर है 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट्स पर आगे बच्चे का भविष्य क्या होगा, वो किस लाइन में जाता है, क्या करता है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है, इसलिए इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में खास तौर पर 12वीं की परीक्षा को लेकर क्या राय अभी तक निकलकर सामने आ रही है आप लोगों को? देखिए, हम जानते हैं कि जब भी एग्जाम्स के लिए बच्चे तैयारी करते हैं जी, तो कितना हम लोगों को उनको एक पीसफुल एनवायरमेंट देना पड़ता है। जी हाँ, बट आजकल के इस माहौल में आप देखिए एक ऐसी अनहोनी हो रखी है कि घर में अगर परिवार में नहीं तो पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई मर रहा है। मैं तो ऐसा भी जानती हूँ जिन परिवार में 3-3 डेथ एक साथ हो गई, छोटा भाई भी खत्म हो गया है और वो 12th का एग्जाम दे रहे हैं। इस मेंटल स्टेट में आप हम किस तरह से आशा कर सकते हैं कि ये बच्चे बैठकर एग्जाम दे पाएंगे? आई मीन डोंट वी ऑल से कि हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले तो हेल्थ आती है ना, और जब हेल्थ ही नहीं होगी तो ये बच्चे क्या कर पाएंगे? क्यों नहीं हम इनको असेस कर लेते ऑन ईयरली थिंग? एक साल जरूर इन लोगों को ये लगेगा कि हम जिनमें काबिलियत है कि हम इतना नहीं कर पाए, पर क्यों नहीं हम एक साथ, ये बच्चे भी एक साथ सोचें कि ये समय बहुत बड़े संघर्ष का है और हमको इससे पार निकलना है। और एग्जाम किस लिए हम एग्जाम करते हैं? एसेस करने के लिए ना कि बच्चा कैसा है? बिल्कुल। तो क्यों नहीं मेरा वीडियो नहीं, मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं हम ऐसा करते कि हम इनको नॉलेज दें और इस तरह से इनको नॉलेज दें कि ये लोग बिल्कुल मैच्योर हो जाए विद द नॉलेज दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव टू। डॉक्टर अदिति, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप ये कहना चाह रही हैं, क्योंकि देखिए अभी तक कई तरह की राय निकलकर सामने आ रही है और ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई सेंटर पर बुलाकर परीक्षाएं करवाने का तो कोई मतलब नहीं है, इसमें तो बहुत ज्यादा खतरा है, तो मुमकिन है कि ऑनलाइन एग्जाम्स कराए जाएं। आप क्या ऑनलाइन एग्जाम्स जो कराए जाएं उसके भी हक में नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम्स भी नहीं कराना चाहिए, असेसमेंट के आधार पर प्रमोट करना चाहिए? ऑनलाइन एग्जाम्स अगर हम करते हैं तो जिन बच्चों के पास
कंप्यूटर्स नहीं है, वो कैसे देंगे ये ऑनलाइन एग्जाम्स? आप मुझे बताइए, वो गरीब बच्चे जो कि ट्वेल्थ में काम करते हैं, मैं तो जब इंटरव्यू बोर्ड पे भी बैठी थी आईएएस के, तो मैं देख रही थी कि कोई तो जनरेटर ऑपरेटर का बच्चा है, और वो पहले अटेम्प्ट में, उसका नाम आज भी याद है मुझे, ओम, वो पहले अटेम्प्ट में 25 या 24 साल का था, आ गया, वो आईएएस बन गया। तो अगर हम उन लोगों को एक्सपेक्ट कैसे करेंगे ऑनलाइन एग्जाम देने की? ऑनलाइन इज वन यू नो अल्टरनेटिव, बट देन डू यू थिंक इट इज फीजिबल? क्या वो बच्चे कर पाएंगे? और ये बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया, बिल्कुल सही, बहुत बहुत पॉइंट की बात आपने कही है डॉक्टर अदिति। और देश की व्यवस्थाओं को, हालात को भी हमें समझना होगा, जब हम ये कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं ऑनलाइन परीक्षाएं करा दी जाती हैं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं इस तरीके से, तो ये सारे मुद्दे भी हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।